काम लेकर के जाओ। अरे कहीं मत हमरे बेटा, टी के बगैर काम ही तो नहीं चले। अबे देख सुबह से अब तक भूखा था, इसने सोचा कि चलो एक काम धाम करके पेट पूजा कर ले। तो पप्पू चाचा अपनी हालत को भी तो देख लीजिए, सही तौर पर आपके अंदर चलने की ताकत नहीं है, फिर इस तरह मशक्कत बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है कि आपके पास काम करने वाले औलाद नहीं है। अरे इस वक्त तो मेरे पास दो छोरे और एक छोरी है, और अल्लाह का बेटा आ जा रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कि दो ही छोरा अच्छा पैसा कमा रहा है। ओ तो फिर कामों का परेशानी क्यों उठा रहे हैं? इस वक्त तो आपको घर में या मस्जिद में बैठकर बस अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए। अगर आप इस वक्त में भी इस दुनिया को ना भूलेंगे तो फिर कब भूलेंगे? देख बेटा, अगर मैं यूं सोचूं कि जब तक जिंदा हूं और काम कर सकूं जब तक किसी की मदद नहीं लूं, इसलिए खुद ही कमाई करके जिंदगी गुजार रहा हूं। इसमें कौन सी मदद देने की बात है, बेटे तो आपके खुद ही मारी मदद करते ही होंगे, लेकिन आखिर इन पैसे का आप क्या करते हैं? अरे मैं तो इनके पोता पोती का खर्ची कर दूँ, बेचारे घर पे अपना पड़ते हैं, कोई सभी खर्च नहीं करूँ। आप तो बड़े अनोखे आदमी मालूम होते हैं, अगर आप इस उम्र में भी इन बच्चों से मदद कर लेंगे तो बच्चे होते किस काम के हैं? आप अपने उम्र के लोगों को देख लीजिए, वो किस तरह बेफिक्री के साथ अल्लाह अल्लाह करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, मुझे उनसे कहना नहीं रहता, अगर मैं दुनिया के लोगों के चक्कर में जाता तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या 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 पप्पू चाचा, क्या एक बार क्या मौलवी है, उल्टी उल्टी बातें कहता है, कहा है कि दुनिया के लोगों के चक्कर पड़ गए। मौलवी 25 साल की उम्र हो गई, बिल्कुल तजुर्बा है, ये मेरे मौलवियों का तो काम ही यही है, बेहतरीन मस्के ज्यादा लगा के आपको बातें बताएंगे, जन्नत जहन्नम की बातें बताएंगे और खूब फुसलाएंगे, मुर्गे खाएंगे। अभी देखना थोड़ी देर बाद कि तुमसे पूछेगा कौन सा बाबा जी नमाज पढ़ी की बात तो सुनिए। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह इसके बदले में आपको जन्नत जिसके घर पहुँचा देगा। अच्छे पप्पू चाचा बताइए, आपने जोर की नमाज पढ़ ली? बिल्कुल तो लेकिन नमाज किया नहीं, तो नमाज तो देखा अपन आज तक पढ़ी नहीं, और मुझे तो मालूम भी नहीं कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। तो क्या आप मुसलमान नहीं? ज्यादा बोलेंगे तो खुदा से कहते ज्यादा नहीं है, मुसलमान नहीं लग रहे, ज्यादा अकलमंद बन जाएगा। समझा दे इसको, अकलबंद अकलबंद है, अकलबंद अकलबंद। अभी कलमा सुनो, तो देख सुन, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, देख कलमा भी सुना दिया, अब भी तेरे को मेरे मुसलमान होने में शक लगेगा? बहुत ज्यादा गर्मी है, देखो पप्पू चाचा नाराज होने की बात नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ आखिर आप कैसे मुसलमान है, क्या आपने आज तक पूरी जिंदगी में कोई नमाज ही नहीं पढ़ी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ इरशाद है, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, यानी वो मुसलमान नहीं। क्या आशीर्वाद दे रहा, जाओ तुम्हारा आशीर्वाद लेके जहन्नम में जाना, किससे मांग रहा था? अरे देखिए बात पे अहमियत दीजिए, बड़े चिंतित बात बता रहा हूँ। दिमाग खराब करते हैं, बहुत दिमाग खराब करते हैं। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ इरशाद है कि शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, यानी वो मुसलमान नहीं, और आपको तो कलिमा भी सही याद नहीं है, फिर आखिर आप किस जबान से अपने आपको मुसलमान कह रहे हैं? अच्छा ये बताइए आपने कलिमा किस याद किया था? एक मौली साहब से मैं एक ही दिन में कलमा याद कर लेता हूं, तो क्या मेरे को सही सही कलमा याद नहीं क्या? हाँ हाँ पप्पू चाचा आपने कलिमा गलत पढ़ा है, लेकिन क्या आपको आज तक किसी ने नमाज के बारे में नहीं बताया है क्या चीज है? इसका मतलब ये कि पैसे पैसे दिन भर पैसे 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 इसको हमारे खाने के लिए इतने खाने के लाए मतलब बिचारी मानी बात छोटी पप्पू चाचा। अरे पप्पू चाचा आपको नमाज के बारे में कितने नहीं बताया है क्या चीज है? मतलब ये कि आपने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे बेटा उसी मौली साहब ने नमाज के बारे में मुझे कुछ बताया था रे, पर क्या करूँ रे, काम से टाइम इतना नहीं मिले कि नमाज पढ़ू, और नहीं किया तो ये सोच के मस्जिद से वापस आ गया मैं, नमाज पढ़ने से क्या होगा, अगर इतनी देर काम कर लिया जाए तो कुछ पैसे हाथ में जाएंगे? हाँ करे बेटा पैसे हाथ में आएंगे भाई, काम करो, मुझे देखो मैं बताओ आपको मेरी 90,000 तनख्वाह है, बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जाता हूँ सुबह 10 बजे मेरी ड्यूटी है, 10 से 10 तक वर्कर काम करते हैं, अपनी बात ऐसी है, लेकिन ऐसी में अपना जिंदगी गुजार रहा है, क्या होगा? तमाम क्या रखा है मौली साहब, खा लेंगे पी लेंगे मर जाएंगे, कुछ नहीं है। अफसोस याद किया और आपकी आपने यकीन सोच लिया कि नमाज से क्या फायदा है, खुदा के वास्ते तौबा कीजिए, अगर इसी हालत में मौत हो गई तो मामला खराब हो जाएगा, और क्या आप इतने मशगूल रहते हैं कि आपको नमाज जैसी अहम चीज के लिए फुर्सत नहीं मिलती? क्या आपको एहसास नहीं कि आप बहुत जल्द दुनिया से रुख्सत होकर खुदा के सामने हाजिर होने वाले हैं? पप्पू चाचा वहाँ अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा कि पप्पू चाचा आपने कितना माल कमाया, कितने बच्चों की परवरिश की? देखो ये जाहिलों को मैं जानता हूँ, तू पक्के में दादा पे गया, मैंने पैसे दिए थोड़ा छोड़ा दिया, वो बेटी को देख दादी पे नहीं है दादी पे, देख रही दादा को पैसे लूंगे, तू तो चुपी रहा, तू जैसे भी कर तू चुपी रहा, तू जैसे भी बोले नहीं, बोले तू तो पप्पू चाचा जरा बात कहिए तो मुझे सुनिए तो सही बात।
کیا آپ کو احساس نہیں کہ آپ بہت جلد دنیا سے رخصت ہو کر خدا کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں؟ اللہ وہاں آپ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کتنا مال کمایا، کتنے بچوں کی پرورش کی، وہاں سے جاتے اللہ پوچھے گا کہ بوڑھے میاں ہم نے آپ کو مال دیا تھا، ہم نے آپ کو زندگی دی، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک پہنچایا، آخر تم نے کیا کیا، غفلت میں زندگی کیوں گزار دی؟ تو آپ وہاں کون سا کیا بس سوچتی تک نہیں آ رہے ہو آئے مطلب مار رہا ہے، عزت کر رہا ہوں تمہاری داڑھی کی قسم خدا کی، ورنہ جو ہے نا یہی لیٹ ٹکا تھا تم میں، باپ نے یہ تو سکھایا تھا، باپ نے یہی سکھایا ورنہ جو ہے نا ٹکا، اسی لیے مار لیا۔ بات تو اہمیت دیجیے، اب آپ کو آپ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتے ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ماشاء اللہ آپ کے پاس اور بھی ساہتیا ہے، مگر پھر بھی آپ یاد نہ کری۔ ارے تم تو ایسی تک بینڈی بینڈی باتیں کر رہا، آج تک میرے کو ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ مرنے کے بعد اللہ کہاں کو زندہ کرے گا، مرنے کے بعد جسم ہے نہیں گارا اور مٹی ہو جائے اور پھر کیا اسے پوچھتا ہے جو ہوگی؟ ارے تم تو یہ بات سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ میں باتیں کرتا تو بینڈی بھائی نے بھائی آدمی مر گیا مٹی ہو گیا تمہارا کیسے اڈا یہ بھی تو نہیں معلوم کہ وہ کہاں مرے گا، کون کی موت کہاں ہے، تو پھر زندہ کرے گا کیسے اللہ؟ پپو چچا یہ بہکاوے کی بات نہیں ہے بلکہ آپ کے بھولے کے دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، آپ خود ہی غور کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں کے پیٹ سے پیدا کر کے اتنا بڑا کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کا وجود بھی نہیں تھا، کہ تو کیا وہی اللہ آپ کو دو؟ ارے دیکھ بیٹا ابھی تو چھوڑ دیکھ، میرے کو بہت خطرناک بھوک لگ رہی، ان بھوک کے مارے میرے پیٹ میں چوہا آتم ہتیا کر رہا، تو جانے دے ابھی، ارے تو جانے دے میرے، ارے کھانا کھا لیں گے ہم آپ کو، تو کیا کہنا چاہ رہے صاحب صاحب کے لیے؟ دیکھ میرے بات میں بات مننے بات تو زندہ ہو کیا، ہم نے مانا کہ تم نے زندگی میں کھائے کھایا بڑا پہ تھا، تھوڑا سن لو ان کی۔ ارے تو دیکھتے ایسی بات کرے مننے بات زندہ ہوگا، ارے ماننے ہوتا اللہ زندگی کرنا تو مارتا کیوں اللہ؟ دیکھیے بڑے میاں حقیقت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے تک کی جو آپ کی زندگی ہے وہ عارضی ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اس کو آخرت کی زندگی۔ یہ کاندھا بھوک لگ رہی کہیں کروں، اس سے تو بھوک مٹائی زندگی بھر، اور کیا کیا ہے دنیا میں جو آپ کو زندگی دی گئی وہ صرف اس لیے نہیں کہ کھائیں پیئیں عیش کریں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس محدود زندگی میں اس دائمی زندگی کے لیے تیاری کریں جو مرنے کے بعد پھر سے شروع ہونے والی ہے۔ رہی بات یہ کہ اگر اللہ ہم کو مارتا ہے کہ اگر اللہ کو ہم کو مارنا ہی تھا تو پھر دوبارہ زندہ کیوں کرے گا؟ تو بڑے میں اس بارے میں کیوں کب سے بھی اللہ بجا لیا دادا بجا لیا بیٹا، ساڑھے تین بار نہا کے آج ہی ساڑھے تین بار کیسے نہایا؟ تین بار تو پانی ڈال کے نہایا، چوتھی بار نہانے لگا تو نل چلا کے صابن بتا۔ اچھا وہ لائے پر پسینے کی بدبو آ رہی ہے یہاں لگی کر، تیرے سر میں بھی تو تیرے سر میں تو بھی تو تیل کی اچھی بات آ رہی ہے، بات ہی بات میں رہ کے بات بھرا دیں، خوشبو ہے خوشبو، اسمیل ویری بیوٹیفل اسمیل زندگی میں، دیکھیے پپو چچا اگر دیکھیے بابو چاچا اگر اللہ دیکھیے ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی کو شروع کرنے کے لیے ایک نظام بنا رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پہلے دنیاوی زندگی کو ختم کرتا ہے تاکہ آخرت کی زندگی کا اثر و آغاز ہو۔ آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ دن بھر کام کرنے کے بعد اللہ اپنے بندوں کو رات میں نیند دے کر سلا دیتا ہے تاکہ وہ آئندہ کل کے لیے تازہ دم ہو جائے، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ دور رہنا کری مت یہ کہہ رہا تھا کہ آپ خود غور کر لیجیے کہ دن بھر کام کرنے کے بعد اللہ اپنے بندوں کو رات میں نیند دے کر سلا دیتا ہے تاکہ وہ آئے۔ ہاں بول تو بول سن رہے ہو، ان کے بھیجے میں نہیں آئے گی، ختم ہوگا ان کا اینڈ ہو جائے گا۔ آگے اور کہیں کرو بھوک لگے تاکہ وہ آئے نہ کر کے لیے تازہ دم ہو جائے، تو اس میں کون سی تاج نہیں آیا ہے؟ نام تو بک رکھ دیا، پوتے کو مت مارو نسل کا اثر ہے، خود نہیں نہاتے تو پوتا تو کھجائے گا ہی، نہ کیا ہے میں۔ ہاں چل لے اندر، تو چپ چپ رہا کر، زیادہ بھی بولے بھول ڈولے تو اپنے تو کچھ بھی نہیں ہے بیٹا، ہو کی بات سنو کی کیا کہہ رہا تو، حساب کتاب کی کہہ رہا پوچھ تو لے، حساب کتاب ہوئے نہیں ہماری دماغ میں، سر پہ چاہ رہی ہے سر پہ نہیں اکل والے اللہ والے لگا شاید سر پہ چاہ رہے، پوچھ لے پوچھ لے، حساب کی کہہ رہا حساب ہوگا حساب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو بھی اس
दुनिया में करेंगे कयामत, कयामत में सबका हिसाब किताब होगा। अगर आप इस दुनिया में अल्लाह के बतलाए हुए रास्ते पर चलकर जिंदगी गुजारेंगे तो उसके बदले के लिए अल्लाह आपको जन्नत में पहुंचाएगा, और अगर आप उससे गाफिल रहकर जिंदगी गुजारेंगे तो उसकी सजा के लिए अल्लाह आपको जहन्नम में फेंक देगा। इज्जत कर रहा हूं कसम से, बाप बादादा की उम्र के होनी तो यकीनन पारा तो ऐसा चढ़ रहा बताता पड़ता हूँ। पारा चढ़ गया खत्म हो रहा, आपकी बात सुन ले, जन्नत जहन्नम भी कह रहा, जन्नत जहन्नम पूछते थे क्या? एसी खत्म हो रहा, गर्मी तेज पड़े एक हाथ लगा दिए तो ये फैल जाओ, इसलिए यकीनन वरना इतने देता तुम नहीं। जब आपने सिखाए थे जन्नत जहन्नम पूछ, जन्नत व्हाइट हेवन इन हेल व्हाइट व्हाइट प्लीज गाइस बोले नहीं ना तुमको जरूर है। देखिए इसका सही अमल तो वही होगा, अलबत्त कुरान और हदीस की तस्रीह के मुताबिक इतना जानता हूँ कि जन्नत में जाने वालों के लिए बेपनाह सहूलियात होगी, हर किस्म के फल उनको खाने के लिए मिलेंगे, वो लोग जिस चीज की तमन्ना करेंगे वो उनको मिलेगा। इसके बरकरार जहन्नम में जाने वाले तो तरह तरह के अजाब में मुबतला होंगे, कहीं आग होगी जिसमें वो जलेंगे, कहीं सांप बिच्छू उन पर दौड़ेंगे। खुलासा यह है कि बंदा जिस किस्म का गुनाह करेगा उसी अतिबार से उसको हटा दिया जाएगा। देखिए अरे आपके ये तो किसी बड़े सिंधी बात बता रहा हूँ, बात तो सुन रहे हैं लेकिन सुनने दे रहे हो। देखिए दादाजी को परेशान मत की बात सुनने दीजिए। देखिए मैं कह रहा था कि जो जब जन्नत में जाएगा उसके लिए बेपनाह सहूलियात होगी, हर किस्म के फल उनको खाने के लिए मिलेंगे, वो लोग जिस चीज की तमन्ना करेंगे वो उनको मिलेगा। इसके बरकरार जहन्नम में जाने वाले तरह तरह के अजाब में मुबतला होंगे, कई सांप बिच्छू उन पर दौड़ेंगे, कई आग होगी जिसमें बात सुनेंगे, बात बता रहा हूँ कहीं आग होगी जिसमें वो जलेंगे। खुलासा यह है कि बंदा जिस किस्म का गुनाह करेगा उसी अतिबार से उसका अदा किया जाएगा। बच्चा ना बेटा मारे बच्चा ले रहे, अरे हमने तो पूरी जिंदगी ना तो अल्लाह के राजी क्यों, अल्लाह हमसे खुश करने के लिए कहीं नहीं करे ना तो अरे ना तो क्या अरे कहते हुए बच्चा है वो इधर होने का मौका में सही। अरे अरे पप्पू चाचा रोइए मत, देखिए अरे पप्पू चाचा देखिए अल्लाह का दरबार बहुत बड़ा है, जब आप उसके दरबार में देखिए कहां से बात सुगर और सुविधी कौन भी मदद शबाज भाई इतने नहीं रोते, सही बात है वैसा नाम की तो आते लेकिन सारी जब आप उसके दरबार में दिल से हाजिर होंगे तो वो जरूर सुनेगा। उसकी रहमत की हल्की सी झलक ये है कि अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी गुनाह करने के बावजूद मरते वक्त कलिमा पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी सारी खताओं को माफ कर देता है। और माशाल्लाह आप तो मुसलमान हैं और थोड़ी बहुत आपकी जिंदगी वाकई लग रही है। हमें थोड़ी बहुत ही लग रही है, तो गर्मी अगर जवान है, जवान है बुढ़ापा खत्म हो गया, सर्दी आ रही है ना, कोड़ो खाओ कोड़ो एक आध साल जो खत्म से सुन लो की बात सुन ले, रात अच्छी बात करेंगे। इसलिए मेरी राय ये है कि आप इन दुनिया में विद्यालयों को छोड़कर खुदा को राजी करने में लग जाएं, और सबसे बड़ी चीज आपसे नमाज में जो कोताही हो रही है ना उसकी तलाशी के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि कयामत में सबसे पहले इसी के मुताबिक पूछोगी। बेटा तुम्हारा बहुत अच्छा आदमी लग रहे हो, बेटा जैसे लगे फरिश्ता कोई फरिश्ता है, कार्य तो कहाँ घर खाता नहीं दादा, वही फरिश्ता वरिश्ता तो नहीं दादा, हम ना ऐसा लग रहा सफेद जग जैसा फरिश्ता नहीं इंसान ही है। देखिए मैं कहीं ना कहीं आप ही के लाभ में खिड़गड़े का हूँ, शायद क्या आप हसमतुल्ला भैया जी के सलीम मियाँ को जानते हो, उन्हीं का बेटा हूँ। अच्छा तू क्या कह रहा है, अरे मेरा बाजार मारा अरे बेटा बहुत खुशी की बात है कि तू अपने इलाके का छोरा है, और नहीं अच्छा घराने का है, और सलीमा नहीं सलीमा बहुत अच्छा है बेटा बहुत अच्छा, मतलब अशमतिया ने ओकी अति परवरिश करी, अल्लाह की जन्नत नसीब फरमा रहे, बहुत अच्छी करी है परवरिश, और थोड़ा बाप ने भी सारी परवरिश बहुत अच्छी करी। चल अबे यानी मारे कुछ सिखलाते तो मैं कोई नमाज वाज सही कर लूँ। देखिए माला मतलब देखिए पपी चाचा माए सुने की जरूरत नहीं, अल्लाह का दरबार बहुत बड़ा है, आइए मैं आपको कलिमा तैयार करा देता हूँ, उसके बाद जब भी आपका हुक्म हो तो आपको नमाज सिखलाने अदा करूंगा, मगर इन सब के लिए जरूरी है कि आप सिद्ध दिल से तौबा करें और इस बात का वहद करें कि आज के बाद से एक भी नमाज नहीं छोड़ूंगा। तो कह रहे बेटा अल्लाह हमारा सही माफ कर दोगे? हाँ हाँ सब कुछ चाचा अल्लाह की यही शान है। तब तो मैं थारा सामने ही तौबा करी ने और सच्चे दिल से वायदा कर लूँ ताकि कयामत के दिन तू खबर है। चलिए कलिमा सिखा देता हूँ आप। हाँ सिखा दे। ला इलाहा ला इला ला इला नहीं
ला इलाहा तू चुप है तू मुंह बना अच्छा अच्छा ठीक है गरम मत हो ला इलाहा आगे चले जाए इसके नहीं आगे होने इल्ला लिल्ला इल्ला इल्लो इल्लल्ला आगे चलो तुम दावत मोहम्मदुर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह 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 ला इलाहा तो भाई कम से कम भेजें ला इल्लल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मदुर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह ये आपके पोता पोती इंसान होगा बड़ा कदम आया था आपको बेटा इन्हें पहचाने पर के मेरी एक है आपसे मुलाकात थे उनसे मुलाकात हुई थी तो यानी मैंने उनसे वादा करा था कि मेरा यानी 11:30 पोता पोती में से मैं जो टीका को बड़ा मदर से वो हकीम हजरत वालो हकीम हजरत वालो वो मैं छोड़ूंगा तो मैंने वायदा पूरा कर दिया अपन तो वायदे के पक्के देख ले कलमा याद सुना था बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कम से कम दादा कभी याद है इसको तो याद हो गई दादी तो नहीं हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देख ले बड़ा कलमा की बात है बात है छोटी चलिए देखो बेटा यार चलो कब पिता जी आते हैं कि नमाज पढ़ने चलते हैं अभी क्या है मैं इंशाल्लाह नफा को बाद में नहाके और नमाज सीख लूंगा नमाज पढ़ने चलते हैं बात है कि वो जो वर्कर है मेरे वो इंतजार कर रहे हैं बड़ी देर से जो सॉफ्टवेयर चालू नहीं हो रहा कई बार पहुंचो के अभी बेल बज रही थी मैं इंशाल्लाह वो कुछ साथी हमारे नमाज पढ़ते हैं इंशाल्लाह उनके साथ जरूर जाकर नमाज पढ़ो चलिए अब चाचा चलते हैं ना ठीक है बेटा तूने मेरे तो ये सीधा रास्ता दिखा दिया अल्लाह तेरे को बहुत बड़ा आलिम बना रहा बहुत ऊंचा पहुंचा तेरे को बहुत ऊंचा पहुंचा रहे चलिए खुदा के साथ हां हाफिज 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 चलो अभी हम जो है इसके बाद अपने मकसद की तरफ रवाना हो रहे हैं और अब इस वक्त जो है बगैर किसी जो है बगैर तकलील और बगैर जो है